आईपीएल 2024 से पहले गुजरात टाइटंस को लगा तगड़ा झटका। यह स्टार खिलाड़ी हो गया पूरे आईपीएल से बाहर। सीएसके आरसीबी में जश्न का माहौल। वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाला टी20 वर्ल्ड कप से हो गया बाहर। फैंस का फूटा गुस्सा। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। कौन है वह खिलाड़ी जिसने पांड्या के बाद गुजरात को लगाया करोड़ों का चूना। आईपीएल शुरू होने से पहले मचा बवाल। जानिए पूरा मैटर। जी हां, क्रिकेट का त्यौहार यानी कि आईपीएल शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का समय रह गया है और आईपीएल 2024 से जुड़ी एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। गुजरात टाइटन्स के चाहने वालों के लिए यह खबर हैरान और परेशान करने वाली है दोस्तों। जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर दो बार लगातार गुजरात टाइटन्स को आईपीएल के फाइनल तक पहुंचाने का काम किया था, अब वही खिलाड़ी पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुका है। इस खिलाड़ी के बाहर होने के बाद से ही गुजरातियों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है दोस्तों। हार्दिक पांड्या के बाद इस खिलाड़ी ने भी गुजरात टाइटंस को 440 बोल्ट का जोरदार झटका देने का काम किया है दोस्तों। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी है। जी हाँ, वही मोहम्मद शमी जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी शानदार कातिलाना गेंदबाजी से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को पानी पिला पिला कर खूब आउट किया था दोस्तों। मोहम्मद शमी सिर्फ आईपीएल ही नहीं टी20 वर्ल्ड कप से भी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद शमी के बाएं टखने में चोट लगी हुई है। शमी को इसके लिए ब्रिटेन में सर्जरी की आवश्यकता होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को बीसीसीआई सूत्र ने इस बात की जानकारी भी दी है। 33 साल के मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। उन्होंने आखिरी बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला था। बीसीसीआई से जुड़े सूत्र ने पीटीआई को बताया कि मोहम्मद शमी जनवरी के आखिरी सप्ताह में एंकल यानी कि टखने का स्पेशल इंजेक्शन लेने के लिए लंदन गए हुए थे। वहाँ उन्हें बताया गया था कि 3 सप्ताह के बाद वो हल्की दौड़ शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इस इंजेक्शन को भी ले सकते हैं। बीसीसीआई के इस वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह इंजेक्शन अब काम नहीं कर रहा है और अब एकमात्र ही सर्जरी विकल्प है। ऐसे में मोहम्मद शमी जल्द ही सर्जरी के लिए ब्रिटेन दोबारा से रवाना हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे में मोहम्मद शमी के आईपीएल के इस सीजन में खेलने का सवाल ही नहीं उठता है। मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं जिसके बाद से गुजरात टाइटंस के फैंस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हर कोई यही बोल रहा है कि बिना मोहम्मद शमी के गुजरात टाइटंस कैसे मैच जीत पाएगी। हार्दिक पांड्या पहले ही गुजरात टाइटंस का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। इसके बाद सिर्फ शुभमन गिल और आसिफ खान ही दो बड़े नाम बचते हैं गुजरात टाइटंस की टीम में दोस्तों। मोहम्मद शमी ने घुटने में दर्द होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप खेले थे। शमी ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में 24 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी और शानदार प्रदर्शन किया था। मोहम्मद शमी दर्द के बावजूद भी इस टूर्नामेंट में खेले थे। उन्हें बॉलिंग करते हुए अपने लैंडिंग में समस्या हो रही थी लेकिन उन्होंने इसका असर अपने प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया था। हाल ही में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। मोहम्मद शमी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में टेस्ट मैचों में 229 विकेट लिए हैं, वनडे मैचों में 195 विकेट लिए, तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 24 विकेट लिए हुए हैं। आईपीएल 2024 के साथ साथ मोहम्मद शमी टी20 वर्ल्ड कप से भी पूरी तरह से दोस्तों बाहर हो सकते हैं। चूंकि मोहम्मद शमी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर नवंबर के महीने में घरेलू मैदान पर भारत के टेस्ट मैचों में वापसी कर पाएंगे। ऐसे में संभवतः मोहम्मद शमी अब सीधे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्की अवे सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं। शमी की सर्जरी होने का मतलब है कि अब वह टी20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शमी के आईपीएल से बाहर होने के बाद नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए के रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एनसीए ने इस मामले में जो दृढ़वादी सोच दिखाई वो शमी के काम नहीं आई। सूत्र ने कहा कि शमी की सीधे सर्जरी होनी चाहिए थी, यह एनसीए का फैसला होना चाहिए था। सिर्फ 2 महीने के आराम और इंजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। शमी टीम इंडिया के लिए अनमोल है, उनकी ऑस्ट्रेलिया दौरे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। मोहम्मद शमी ने दोस्तों आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया था। मोहम्मद शमी ने कुल 17 मैचों में 18 के मामूली औसत से 28 विकेट भी चटकाए थे और मोहम्मद शमी ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल के फाइनल में पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया था।